When we are on a road trip with friends, every moment is special and it makes a perfect tonic of a life. So, dosto, let's get ready to experience our royal friendship on a road trip of a largest state of India, Rajasthan. In this vlog, हम एक्सप्लोर करेंगे अ प्लेसेस एंड अ फूड जॉइंट्स ऑफ अ पिंक सिटी जयपुर। जयपुर में हमारे दिन की शुरुआत हुई गुलाब जी चाय वाले की चाय की चुस्की एंड ब्रेकफास्ट के साथ। ये 1947 से खुली चाय एंड ब्रेकफास्ट के लिए फेमस फूड जॉइंट है। ब्रेकफास्ट के बाद हम चल पड़े आमेर फोर्ट की। आमेर फोर्ट जाने से पहले हमने सामने बनी सिक्योरिटी वॉल तक ट्रैक किया। यहां ऊपर आते आते आपको थकान जरूर महसूस होगी, पर ये व्यू आपकी थकान भुलाने के लिए काफी है। द ग्रेट वॉल ऑफ आमेर, जो आमेर फोर्ट को दुश्मनों के आक्रमण से बचाने के लिए बनाई गई थी। माना जाता है कि ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एंड कुंभलगढ़ फोर्ट के बाद वर्ल्ड की थर्ड लॉन्गेस्ट वॉल है। एंड व्यू फ्रॉम द टॉप is amazing। तो सिक्योरिटी वॉल से नीचे उतर के हम गए आमेर फोर्ट की ओर। राजपूत राजा मानसिंह ने यह पैलेस मार्बल एंड सैंडस्टोन से यह 1592 में बनवाया था। आमेर फोर्ट टोटल चार भाग में डिवाइडेड है और इसका मेन एंट्रेंस है सूरज पोर्ट। फर्स्ट कोर्टयार्ड इज कॉल्ड अ जलेबी चौक, जहां पे आर्मी विक्ट्री परेड होती थी, और यहां पे ही शिला देवी टेम्पल भी है। और सेकंड कोर्टयार्ड है दीवाने आम, जहाँ पे राजा अपने प्रजा की प्रॉब्लम सुनते थे, और दीवाने खास भी यहाँ पास में ही है। आगे आती है गणेश पोल, जो हमें तीसरे कोर्टयार्ड में ले जाती है, और यहाँ पे है जय मंदिर, जो कि शीश महल के नाम से भी जाना जाता है, और इसके सामने है सुखनिवास, और दोनों के बीच में है ये बगीचा। इसके आगे है मानसिंह पैलेस, जो 1599 में कंप्लीट हुआ था और बनाने के लिए टोटल 25 साल लगे थे। और फोर्थ कोर्टयार्ड, जहां पे रॉयल लेडीज एंड देयर अटेंडेंट्स रहते थे, और इसके पीछे की साइड पे आती है मीना बाजार। और इसके आसपास यू कैन फाइंड सम शॉप्स, जहां पे आप अमेजिंग कॉफी टेबल बुक्स एंड एसेसरीज खरीद सकते हैं।
आमेर फोर्ट देखने के बाद हम चल पड़े नाहरगढ़ फोर्ट की ओर। और नाहरगढ़ फोर्ट के पास में ही है एक बावड़ी, जहां से आप जयपुर सिटी का मस्त व्यू देख सकते हैं। नाहरगढ़ फोर्ट इज वन ऑफ द बेस्ट सनसेट स्पॉट इन जयपुर। हमने भी फोर्ट के रूफटॉप पे जाके ये ढलता सूरज, शाम की ये ढलती हवा, इन व्यू का मजा लिया। सुबह हम पहुंच गए पत्रिका गेट। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बेस्ट इंस्टा पिक्चर प्लेस इन जयपुर, देन दिस इज लाइक अ हेवन फॉर यू। डिसाइड किया कि सिटी ट्रैफिक एंड पार्किंग प्रॉब्लम्स को अवॉइड करते हुए आज हम मिनी मेट्रो से सफ़र करेंगे। पत्रिका गेट के बाद हम गए रावेत मिष्ठान भंडार, जो कि फेमस है अपनी प्याज कचौरी और स्वीट्स के लिए। और यहाँ से हमारा ब्रंच कंप्लीट करने हम गए लस्सी वाले के यहाँ लस्सी पीने। ब्रंच के बाद मिनी मेट्रो पकड़ के हम पहुंच गए सिटी पैलेस। लाइक आमेर फोर्ट, सिटी पैलेस इज आल्सो अ बिग कॉम्प्लेक्स विच कवर्स 1/7 पार्ट ऑफ ओल्ड जयपुर सिटी। महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड हु मूव्ड हिज कोर्ट टू जयपुर सिटी फ्रॉम आमेर इन 1727। यहां पे भी आप दीवाने आम और दीवाने खास जैसे मुगल आर्किटेक्चर देख सकते हैं। मुबारक महल, जहां पे रॉयल गेस्ट का राजपूताना अंदाज में स्वागत किया जाता था। इसके अलावा आप म्यूजियम में राजा महाराजा के कपड़े, शस्त्र और युद्ध शैली की झांकी देख सकते हैं। सिटी प्लेक्स कॉम्प्लेक्स के प्रीतम निवास चौक का मेन अट्रैक्शन है ये चार गेट, जो चार अलग अलग ऋतु ऑटम, स्प्रिंग, विंटर एंड समर को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये चंद्रा महल, जो अभी भी रॉयल फैमिली का घर है। आफ्टर विजिटिंग सिटी पैलेस हम गए जंतर मंतर, जहाँ पे 19 एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स है विच इज बिल्ट बाई राजपूत किंग सवाई जय सिंह सेकंड। इट फीचर्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टोन सनडायल और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यहाँ पे बने यंत्र सूर्य की छाया से हमें समय और राशि के बारे में काफ़ी सारी जानकारी देते हैं और ये 1734 में डिजाइन किए गए थे। जंतर मंतर के बाद पहुंच गए बापू बाजार। ये मार्केट में आपको जयपुरी प्रिंट से बने कपड़े और जूती की काफी सारी वैरायटी देखने मिलेगी।
शॉपिंग करने के बाद हम पहुंच गए टैटू काफे, जो हवा महल के बिल्कुल सामने है। काफे में बैठे बैठे हमने सनसेट देखा और शाम के वक्त जयपुर सिटी को लाइट की रोशनी में सजा पाया। और आखिर में जल महल देख के हमारी ये जयपुर जर्नी पूर्ण हुई। इफ यू आर विजिटिंग जयपुर सिटी एंड यू हैव सम एक्स्ट्रा टाइम, देन यू कैन ऑल्सो विजिट गेटर की छत्रिया, जयगढ़ फोर्ट, आल्बर्ट हॉल म्यूजियम एंड पन्ना मीना कुंड। Please share your review in comment box, and if you loved watching this video, then don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching.